नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई है। संजय सिंह को यह राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने उनको जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। 6.5 महीने से न्यायिक हिरासत में रहे संजय सिंह, माना जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। जाहिर है बीते कई साल से अपनी पार्टी के नेताओं पर संकट को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत मानी जा सकती है। फिलहाल जिसका इजहार पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी किया है, इसे लोकतंत्र की जीत तक बता डाला। फैसले से संजय सिंह का परिवार भी खासा खुश है। हालांकि जश्न वो केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद ही मनाने की बात कर रहे हैं। जमानत के सियासी एंगल को तलाशने वाले इस बीजेपी की फूट डालो नीति का हिस्सा बता रहे हैं। सवाल यही है कि संजय सिंह की जमानत क्या वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है और जेल में बंद केजरीवाल, सिसोदिया के लिए संजीवनी का काम करने वाली है, या फिर कानूनी प्रक्रिया को सियासी जमा पहनाने की कोशिश में कोरी बयानबाजी की जा रही है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। 6 अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किए गए थे संजय सिंह और 6.5 महीने बाद वो बाहर आए। सवाल उठ रहे हैं, संजय सिंह की जमानत से आपके लिए क्या बड़ी राहत हो सकती है? संजय सिंह को जमानत से केजरीवाल से सऊदियां की उम्मीदें जो बढ़ी हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? और संजय सिंह की जमानत से ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि उनको आज जब बेल पर सुनवाई हो रही थी तो उस पर कोई भी प्रतिरोध ईडी की तरफ से नहीं दिया गया। तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान संजय सिंह को बेल और अरविंद केजरीवाल को जेल, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा वक्त है जिसमें ये तलाशने की कोशिश की जा रही कि क्या संजय सिंह केजरीवाल की जगह को पूरी कर पाएंगे। क्या केजरीवाल, चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़े नेता को जेल होती है और एक बड़े नेता को बेल होती है, तो उस पर अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह को बेल होती है तो क्या उसकी भरपाई, यानी कि अरविंद केजरीवाल की वो भरपाई कर पाएंगे। इन तमाम सारे सवाल जो खड़े हुए हैं उनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साढ़े छह महीने से ज्यादा संजय सिंह जेल में रहे, बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए थे संजय सिंह। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की थी। उससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी हैं संजय सिंह। पीएमएलए एक्ट के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 6.5 महीने बाद अब ये वक्त आया है कि उनको बेल मिली है और यह बताया जा रहा है, यह संभावना जताई जा रही है कि वो अगले 1-2 दिनों में जेल से रिहा भी हो जाएंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय जी होंगे, कांग्रेस की तरफ से हिमांशु कुमार जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परमवीर जी, डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम लगातार बराबर चर्चा करेंगे, तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, अवधेश जी,
वैभव जी, परमवीर जी, आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी वैभव श्रीवास्तव से ही लेते हैं। वैभव, संजय सिंह क्या इस प्रोफाइल के हैं कि बाहर आने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के रोल की भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है? वैभव, आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आलोक जी आपको नमस्कार, और मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं हिमांशु जी, अवधेश जी, परमवीर जी, उनको नमस्कार, और आपके द्वारा जो भी जनता आपका प्रोग्राम देख रही हूं, सभी को नमस्कार। आलोक जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मतलब आप खुद ये कौन कौन किसको क्या आगे बढ़ाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा हमने बार बार बोला है, आम आदमी पार्टी का हर एक सिपाही केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का जज्बा और उनकी हिम्मत हम लेके चलते हैं। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, और हद तो हो गई कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में वही हुआ जो हम पिछले दो साल से चिल्ला रहे हैं। कोर्ट ने प्रमुख बातें जब ईडी के वकील से पूछनी शुरू की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, आप बताइए रिकवरी कहां है, आप किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी फिक्टिशियस स्टेटमेंट्स आप लेके आ रहे हैं, 10 बार एक आदमी कुछ बोल रहा है, 11वीं बार कुछ बोल रहा है, आप दबाव की राजनीति करके उससे स्टेटमेंट लेते हैं और उस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, बाकी जो 10 में जिसमें नाम नहीं लिया जाता उसको आप कोर्ट के सामने नहीं लाते हैं। अभी जो पिछली हियरिंग हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्टेप बाय स्टेप और विथ डॉक्यूमेंट एविडेंस ये बातें कोर्ट के समक्ष रखी थी। हम फिर से कह रहे हैं, ये मामला न्यायालय के सामने जाएगा अपने आप, इस मामले में कुछ है ही नहीं, और हम जो कह रहे थे वही आज। जी वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए, वैभव आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अवधेश जी के पास भी जाऊंगा, आपके सवाल को लेकर उनके साथ भी जुड़ूंगा। अवधेश जी, वैभव की बात आपने सुन ली। दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं आच्छी, उन्होंने ये कहा है कि मेरी गिरफ्तारी, सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी, राघव चड्ढा की गिरफ्तारी, दुर्गेश पाठक की भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। अब चूंकि जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही थी तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया था कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी, अब किसकी गिरफ्तारी होने वाली है अवधेश जी? देखिए पत्रकार महोदय, वैभव जी ने एक बात कही कि बहुत अच्छा दिन है आज, ऐतिहासिक दिन। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ वैभव भाई से, उनके नेताओं से, जिस न्यायपालिका को गाली देते थे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के अधिकारी ले गए पकड़ के, अब से आप देख रहे होंगे इनमें कम से कम 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आम आदमी पार्टी कारण में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल देश की न्यायपालिका को कोसने के अलावा कुछ काम नहीं होता। देश के लोकतंत्र के ऊपर आपत्ति दिखाने के लिए, उनका लोकतंत्र शब्द कहने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। तीसरा, ठीक है, आज उसी लोकतंत्र के मजबूत, सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, उसने जो संजय सिंह को बेल दी है, ठीक है, आज ये कह रहे सत्य में सत्य की जीत। अब ये समझ नहीं आ रही कि इनका ये दोगलापन जो है, दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, ये सब देख रही है किस तरह से ये इनके पक्ष में कोई अगर फैसला सुनाता है न्यायालय तो बाबा होती है। अगर इनका चोरी पकड़ी जाए, इनके पाप पकड़े जाए, उस पर कार्रवाई की जाए संवैधानिक एजेंसियों द्वारा, तो कहते भैया ये तो मोदी सरकार करवा रही है, मोदी जी ने हाईजेक कर रखा है लोकतंत्र को, मोदी जी ने हाईजेक कर रखा है न्यायपालिका को। अरे भाई, वही न्यायपालिका है जिसने आज संजय सिंह को बेल दी है, और इसी न्यायपालिका ने आपने देखा होगा ये भी कहा था 2023 अक्टूबर में कि 338 करोड़ का जो है मनी ट्रेल दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, कोई अलग नहीं है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और रही बात आरोप सिद्ध करने की, देखिए आरोप जो सिद्ध करने का काम होता है वो भी न्यायपालिका का ही होता है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि 2014 से पहले जो हालात थे हमारे देश में न्यायपालिका के, संवैधानिक एजेंसी के, जो एकदम पूरा बांध रखा था उनको, अपने कब्जे में रखा था उन्होंने, आज वही न्यायपालिका है, वही संवैधानिक एजेंसी है जो अपने कर्तव्य पर निर्वहन फ्रीडम होकर कर रही, फ्री होकर। वैभव, वैभव कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वैभव से पहले एक सवाल हिमांशु कुमार जी से ले लेते हैं, कांग्रेस के साथी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, 2 दिन पहले अभी जो रैली हुई थी आपने भी देखा, पूरा गांधी परिवार मौजूद था उसको, एक तरीके से आयोजित तो आम आदमी पार्टी ने किया था लेकिन पूरा गांधी परिवार मौजूद था।
मतलब ये एक साफ संकेत है कि मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एक है और एक होकर मोदी को चुनौती देना चाहता है। क्या सब लोग मिलकर आप लोग चुनौती दे पाओगे, क्योंकि उनके पास इसकी भी कार्ड एडवांस कार्ड रहती है। देखिए, हम मोदी को चुनौती नहीं दे रहे, इस देश में जो 10 वर्षों का कुशासन रहा है, जिसने यह कहकर के सत्ता हासिल किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और महंगाई आज चरम पर, जिसने यह कहकर के सत्ता में आया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 10 वर्षों में कितना रोजगार दिया आप जान सकते हैं, जिसने यह कहकर के सत्ता में आया था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। अरे हिमांशु जी, ये सारी चीजें आप मुद्दा कहाँ बना पाते हैं, आप लोग तो फंस जाते हैं अपनी ही बातों में। पूरी बात सुनिए जी, हम उसके के खिलाफ आज राहुल गांधी जी और गांधी नेहरू परिवार देश की दूसरी आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जितने भी देशभक्त पार्टियां हैं उनको एक जगह आने की आवश्यकता है। और देख लीजिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मिर्ची कैसे लगेगी, भ्रष्टाचार किया गया है उसे बचाने के लिए, ताकि पोल ना खुले, लेकिन पोल तो खुलेगी जनता के सामने। आजादी के 55 वर्षों तक अपने मातृ संगठन पर इस देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, ये वही लोग हैं जिनके चेहरे पर शांति मुखर्जी जी जो इंडियन मुस्लिम लीग के साथ 1942 में समझौता करते हैं और बंगाल में जाकर के सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं देश के विभाजन की शक्ति से मिलने वाले, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन पाते थे और देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका पता बताते थे। आज फिर से अंग्रेज के अनुयायी इस देश में फूट डालो और शासन को पर इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहता है, काबिज हो गया है। हम उसे सत्ता से बाहर करने के लिए, इस देश के नौजवानों को न्याय देने के लिए, इस देश के किसानों को न्याय देने के लिए, इस देश के महिलाओं को हक दिलाने के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों का जो नागरिक अधिकार का हनन हो रहा है उसको वापस दिलाने के लिए, इस देश के पिछड़ा आदिवासियों को उसका हक वापस दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में जो जी देश की विभाजनकारी शक्तियां हैं उसकी जो नीति है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे बंधु बहुत बोल रहे थे, हम एक बात बताना चाहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग हैं जो आज बात ये कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी इस भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। आज देख लीजिए अशोक चौहान जी के बारे में, अशोक चौहान जी को कहते थे ये परिवारवाद के भी निशानी है और भ्रष्टाचारी है। अरे हिमांशु जी, तो आप खुद ही क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे अशोक चौहान जी राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा तो आपके साथ गुजारे हैं, तो क्या भ्रष्टाचारी समझ के आप उनको रखे हुए थे क्या? चलिए परमवीर जी, डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर परमवीर जी, एक सीधा सा बड़ा कंफ्यूजन और बड़ा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक ही मामले में यानी कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल हो जाती है, उसी मामले के एक आरोपी को बेल हो जाती है, इसके क्या माने निकाले जाएं? आलोक जी देखिए, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार टीवी पर बात की जा रही है कि बहुत बड़ी राहत मिली और बहुत बड़ा दिन है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कोर्ट के प्रोसीजर्स की बात करूंगा। 302 का मुकदमा होता है मर्डर की श्रेणी में, जमानत उसमें भी मिल जाती है। टेररिज्म के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वहां पर भी जमानत मिल जाती है, लेकिन ये कोई राहत नहीं होती है, राहत नहीं होती है। मुकदमा अभी बरकरार है, वो चलेगा, पेश किए जाएंगे सबूत उसके। पॉलिटिकल पोस्टरिंग अलग जगह होती है, पॉलिटिकल पोस्टरिंग में यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इतनी जोर से कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रही जितनी मीडिया के बीच में करती है। कभी इनके बड़े बड़े नेता आती चीजें आती है कि मैं आज इतना बड़ा सब खोलने वाली हूँ, कि ऐसा खोलने सबूत देने वाली हूँ, तो वो सबूतों का देखिए, आप सबूत दीजिए वो मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबूत दे रहे हैं, वो जनता को तो प्रभावित कर लेंगे लेकिन कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल पोस्टरिंग की जा रही है कि कोर्ट इस मुकदमे के माध्यम से भी अपनी पब्लिसिटी लेना, अपना चुनाव प्रचार करना, ये भी चुनाव प्रचार का ही हिस्सा है एक, लेकिन ये कितना सफल होगा कितना नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। और दूसरी बात देखिए, आज डिजिटल युग है, आज जो कुछ आप वीडियो रिकॉर्ड रखते हैं वो बाद में सामने आता है। अभी 4 जून को रिजल्ट आएंगे और तब बड़ी बड़ी कोई भी पार्टी अगर दावा करे कि मैं देश की दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, और अगर चुनाव के नतीजे उनके फेवर में ना आए तो फिर कहां मुंह छुपाएंगे साहब? थोड़ा इतना इतना लंबा सोचना चाहिए हर चुनावी पार्टी को
अपनी रीति नीति बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव तो हर पांच साल बाद आने हैं, अभी ये लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट राज्य हैं, दिल्ली का चुनाव आएगा, हरियाणा का चुनाव आएगा, और भी राज्यों में चुनाव आएंगे, तो फिर वहां पर आपकी तो पार्टी, वो आपकी पार्टी लाइन तो खराब हो जाएगी ना वहां पर। अभी जो लोग दोस्त हैं, हो सकता है वो दोस्त ना रहे उस समय तक, गठबंधन ऐसे ऐसे देखने को मिले हैं हम लोगों को, तो बहुत अनसर्टिनिटी बनी हुई है। लेकिन डिजिटल युग है, मैं बार बार कहता हूँ, बयान नेता कोई भी देते हैं सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आपको छह महीने के बाद ही उसका परिणाम, छह महीने से पहले ही देखना पड़ जाएगा, तो आप क्या लेकर, क्या बात लेकर जनता के बीच में जाएंगे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर परमवीर, आपके पास आऊंगा। वैभव, केजरीवाल जी जब से जेल गए हैं, या जब से ईडी का ये मामला हुआ 21 तारीख के बाद से, जब से वो ईडी की हिरासत में रहे और अब तो तिहाड़ जेल में भी चले गए, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि पार्टी के अन्य नेताओं की तुलना में सुनीता केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, और इस समय तो वो फुल एक्शन में दिख रही। आज उन्होंने विधायकों की बैठक ली, विधायकों के साथ विचार विमर्श किया। क्या ये माना जाए कि उनको पार्टी में प्रतिस्थापित करने के लिए एक धीमी प्रक्रिया शुरू हो गई है? आलोक जी, ये इस तरह के प्रश्न उठना ही, मतलब मेरे ख्याल से ये किसी भी तरह से रेलिवेंट नहीं है। नहीं तो पहली बात तो उन्होंने ये बता दी है कि वो विधायकों की बैठक क्यों ले रहे हैं, किस हैसियत से ले रहे हैं, ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुनीता केजरीवाल जी ने विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई। अच्छा, अगर बैठक बुलाई होती तो 62 के 62 एमएलए जो है हमारे वो गए होते। यहाँ पर कुछ एमएलए 50-55 के आसपास एमएलए मिलने गए थे, और ये एक पार्टी की रूटीन प्रोसेस है, क्योंकि सीएम हाउस में कई सारी मीटिंग्स होती हैं। नहीं तो जब सीएम है ही नहीं सीएम हाउस में, तो किस बात की रूटीन मीटिंग सर? जब सीएम है ही नहीं सीएम हाउस में, तो किस बात की रूटीन मीटिंग? वैभव, यही तो सवाल है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत आलोक जी बहुत स्पष्टता से बता रहा हूँ, आपके आपने हमारे पास जो विधायक थे, बहुत सारे ऐसे विधायक है, बहुत लोग हैं जो सुनीता जी से मिलना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, वो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किस दृढ़ता के साथ, किस सच्चाई के साथ वो अरविंद केजरीवाल के मिशन के साथ खड़े हैं। तो ये तो कोई ऐसी एमएलए की कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं थी, या विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, और सारे विधायक भी नहीं पहुंचे थे। तो इस बात को इस तरह से आउट ऑफ प्रपोर्शन में लेना कि सुनीता केजरीवाल जी को पॉस्चरिंग की जा रही है, उनको उनको एक मंच सजाया जा रहा है, ये सब बहुत ही गैर जरूरी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने वोट देकर इतने बड़े जनमत से वोट, वैभव सरकार क्या जेल से ही चलेगी? अरविंद केजरीवाल जी सर्वमान्य नेता है पार्टी के, दिल्ली के, और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। जेल सरकार से ही चलेगी, के नाम पे चुनी गई, बिल्कुल सरकार जेल से ही चलेगी, सरकार जेल से ही चलेगी, सरकार से चलेगी, बिल्कुल सरकार से, सरकार जेल से ही चलेगी। वैभव बिल्कुल आलोक जी बिल्कुल, देश सरकार जेल से ही चलेगी। अच्छा बिल्कुल, ये तय हो चुका है आम आदमी पार्टी में। अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, लेकिन एक सरकार जेल से ही चलेगी, आप लोग चलने देंगे? एक दो चीज आलोक जी, एक दो चीज मेरी बात से, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, एक दो चीज बस क्विकली 30 सेकंड में। अवधेश जी ने जो अपनी बात रखी सबसे पहले, कि इन्होंने बोला ये तो न्यायालय को कभी नहीं मानने वाले लोग हैं, इन्होंने तो हमेशा न्यायालय के जब इनको मिल जाता है तब खुश हो जाते हैं, वरना तो ये न्यायालय पे हमेशा प्रश्न लगाते हैं। आप ये बता दीजिए, आप कोई भी बयान ले आइए आम आदमी पार्टी के लीडर्स का, जिसमें उन्होंने बोला कि हम न्यायालय को मानते नहीं है। हम आम आदमी पार्टी न्यायालय और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती है। भाजपा की तरह से झूठी और अलोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, जिसने इस देश के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक करके खत्म किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो दिल्ली का बिल हो, चाहे विभिन्न तरह के पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 को अमेंड करना हो। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान के लिए सबसे खतरा है, और ये देश की जनता जनता पार्टी ने इस देश में समेत सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ और इवन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए किया है। और पत्रकार महोदय वीडियो पड़ी होगी देश ही, हाँ आप दिखा दीजिए, एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हमने बोला है कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानते, एक भी दिखा दीजिए। आपके नेता ने थोड़ा होमवर्क करके आए कीजिए, देखिए थोड़ा होमवर्क करके आए कीजिए, आपके नेता ने यह कहा कि जो न्यायपालिका है पूरी तरह से मोदी सरकार के अंडर में है।
संवैधानिक आप ये बता दीजिए, हमने बोला है कि मोदी सरकार प्रेशर बना रही है, आप दिखा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जुडिशरी पे प्रेशर बना रही है, जुडिशरी पे प्रेशर बना रही है, हम ये कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। आप देख लीजिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार बार जुडिशरी पे प्रेशर बना रही है। और जो एक दूसरी बार में चाहिए, अगर आज देखिए आज डिबेट नहीं, बिल्कुल मैं डिबेट में नहीं हूँ, मैं डिबेट में हूँ। आपको भी अपना होमवर्क करके आना चाहिए, आज आप नहीं कह सकते, आपने होमवर्क करने के लिए। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सारे रेमेडी संभालेंगे, हम सारे जो चेक है वो लेके जाएंगे, अपनी बात रखेंगे कोर्ट के सामने। देखिए आज सारे हमें मिलाइए नहीं, देखिए सिर मिलाइए नहीं, देखिए परेशान मत, और वैभव जी, नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है खत्म होने वाला है। हिमांशु जी, अब आम आदमी पार्टी से आपकी गहरी दोस्ती हो गई है, ये दोस्ती आगे भी चलती रहेगी कि लोकसभा चुनाव तक ही ये दोस्ती? देखिए, मुद्दों पर कोई दोस्ती होता है और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, ये मुद्दों को लेकर के होता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो जनता दल के साथ रामो बामो की सरकार बनाई थी, याद है बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन लोगों ने भी साथ दिया था। तो ये दोस्ती जो होता है मुद्दों को लेकर के होता है, जो आज देश के हालात, जो आज समय परिस्थिति की मांग है। आज मैं सही कहा, फिर से कह रहा हूँ, आजादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए मैं कुछ आंकड़ा देता हूँ, पीएमएलए एक्ट के तहत 2019-20 और 2021 में टोटल 1278 केसेज दर्ज और 95% केस जो है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर थे, लेकिन कितने लोग दोषी ठहराए गए? सिर्फ 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराए गए। आज संजय सिंह जी का जो मामला है वही मामला है, आज ईडी ने क्यों नहीं अपना पक्ष रख पाए? आज पक्ष रखने में क्या दिक्कत थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अपना पक्ष रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके पास जो सबूत है वह सबूत पर्याप्त नहीं थे, और इसीलिए ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। और जो मनी लॉन्ड्री का मामला जो संजय सिंह जी पर बन रहा था, वो कहीं से भी मनी लॉन्ड्री का मामला कोर्ट ने नहीं पाया और उन्हें जमानत। इसका मतलब स्पष्ट है कि ईडी को सुन लीजिए थोड़ा सा, ईडी का दुरुपयोग किस तरह से केंद्र की सरकार की है और कर रही है वह सबके सामने। ईडी को आप ये लोग कह रहे थे कि 2014 के बाद ईडी का दुरुपयोग कैसे हो गया, आप जानते होंगे कि लोकसभा में अरे हिमांशु जी, अवधेश जी आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी में बोलिएगा, लेकिन हिमांशु जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अवधेश जी, हिमांशु जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे जवाब लेता हूँ। हिमांशु जी जल्दी, वित्तीय बिल को पास करने के सिर्फ लोकसभा से अनुमति लेना होता है, पास करना होता है। ये वित्तीय बिल की तरह ईडी का जो मजबूत करने का ये था प्रस्ताव था, उसको लोकसभा से पास करवाया, क्योंकि राज्यसभा में इनको बहुमत नहीं था, और पास करवा करके ईडी का दुरुपयोग किस तरह से पूरे देश में किया है ये सब जानता है। लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिल्कुल दो हजार चौदह अवधेश जी को बोलने दीजिए। अवधेश जी डॉक्टर परमवीर के पास जाएंगे, डॉक्टर परमवीर, हिमांशु जी दूसरों को भी मौका दीजिए, अब डॉक्टर परमवीर के पास जाएंगे, डॉक्टर परमवीर राज्य की सत्ता में काबिज होने के बाद भी, दो में हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, आपने भी देखा ये जो हालात बने हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी भरपूर सहानुभूति कार्ड खेल रही है। क्या इस सहानुभूति कार्ड में खाता खुल सकता है दिल्ली की अगर बात करें तो? देखिए आलोक जी, आम आदमी पार्टी जो संघर्ष से खड़ी हुई हुई पार्टी थी, इसका वोट बैंक जो होता है वो सोशल जस्टिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। इन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को दिखाया था सपना कि हम लोग सब कुछ पारदर्शी रखेंगे और एक प्रॉपर जैसे किताबी राजनीति जैसे कही जाती है वैसी राजनीति दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए मैं किताबी राजनीति कहूंगा। उसका सपना दिखाया था लोगों को कि हर चीज की इतनी पारदर्शिता आ जाएगी और हम किसी करप्ट लोगों के साथ साथ नहीं लेंगे। तो धीरे धीरे करके सब चीजों से अपना आपने यू टर्न लिया, तो वो यू टर्न लेने की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर खत्म हुई है वोटर्स के बीच में। आप
का कोई ऐसा कन्वेंशनल वोट बैंक नहीं है जैसे भाजपा का वोट बैंक है, अपना कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, या जितनी भी क्षेत्रीय दल होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग करके अपना वोट बैंक बनाया होता है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वोट बैंक नहीं, वो सिर्फ डेवलपमेंट और पारदर्शिता के मुद्दे पर आए थे और वही अब उनकी साख वही खतरे पर लगी। लेकिन डॉक्टर परमवीर ये जानना चाहता हूं कि जब राज्य के चुनाव होते हैं तो आप देखें कि 62 सीट्स उससे पहले भी इसी तरीके से 60 पार कर जाती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जब केंद्र के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उनका दिल्ली में खाता भी नहीं खुलता है। आलोक जी देखिए, हमारे देश की जनता बड़ी समझदार है, ये राजस्थान में भी होता था। राजस्थान में एक बार नारा दिया गया था पिछली बार जब गहलोत सरकार बनी थी वहां पर, तो उन्होंने कहा था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। तो देश की जनता देखती है कि दिल्ली के नेता में और गुण चाहिए, राज्य के नेता में और गुण चाहिए, तो जनता अपने आप क्लियरली डिवाइड कर लेती है। 62 सीट जीतने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने देखा है, तमाम न्यूज चैनल के सर्वे भी देखे हैं और एजेंसी के सर्वे भी देखे हैं, हमारी जैसे चाहे फॉरन नीति हो, चाहे केंद्र सरकार के लेवल के ऊपर जीरो करप्शन का चार्ज है। यूपीए 2 के टाइम पर ही सारे मुकदमे दर्ज हो गए थे ना, पोल स्कैम, 2G स्कैम, मतलब यूपीए सरकार के कार्यकाल में तो हो गए थे ना। बिल्कुल डॉक्टर परमवीर, वैभव छोटा सा कमेंट, क्या इस बार खाता खुलने की संभावना है इस सहानुभूति कार्ड से? आलोक जी, ये पहली बात तो ये सहानुभूति के ये कार्ड की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, ये बाकी लोग करते होंगे। आम आदमी पार्टी को पहली बात ये ना सीखा है और ना हमें सीखने में इंटरेस्ट है। देखिए, मैं डॉक्टर परमवीर जी ने बोला कि आम आदमी पार्टी का कोई ट्रेडिशनल वोट बैंक ही नहीं है, ट्रेडिशनल है ही नहीं, तो इनका तो या तो बीजेपी का है, कांग्रेस का, इनका तो है ही नहीं। इनका सर अगर नहीं होता ना तो तीन तीन बार इतनी बड़ी बहुमत से सरकार नहीं बनाते। अभी हाल फिलहाल में MCD का चुनाव हुआ है, हमने भाजपा को बुरी तरीके से हराया है। पंजाब में हमारी सरकार है, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि राज्य के चुनाव होते हैं, MCD के चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा में आप नहीं परफॉर्म कर पाते। केवल दिल्ली की बात, वक्त कम है। हिमांशु जी अब आप दोनों की दोस्ती हो गई है। हिमांशु जी अब आपकी और कांग्रेस की, यानी कि आप दोनों की दोस्ती हो गई है, अब लगता है चूंकि आप भी खाता खोलने के लिए बहुत दिनों से तरस रहे हैं, तो अब लगता है कि खाता आपका खुल जाएगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता प्रबुद्ध है और निश्चित रूप से जो 10 वर्षों का कुशासन है उसके खिलाफ उठ देगी, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मजबूत गठजोड़ है दिल्ली में, उसे 7 के 7 सीटों पर, खाता खुलने की बात नहीं है, 7 के 7 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। जी बिल्कुल, अवधेश जी आप लगातार आप 7 की 7 जीत रहे हैं, इस बार क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? आपने तो बहुत सारे सर्वे भी करा रखे थे, ये भी देख रखा था कि केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो उसका रिएक्शन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तमाम सारे संजय सिंह को भी भेजने से पहले आपने सर्वे कराया था, उसी तरीके मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने से पहले सर्वे कराया था, तो तमाम सर्वे आपके पक्ष में है, आपको क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं बैरव जी की बात का जवाब दूं, ये कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता ने नहीं कहा ऐसा कि संवैधानिक एजेंसी जो कठपुतली है बीजेपी, मोदी जी ने कठपुतली बना रखा है। अभी हिमांशु जी यहाँ कह रहे थे, अभी तो हिमांशु जी लाइव चल रहे हैं, हिमांशु जी ने अभी कहा कि संवैधानिक एजेंसी कठपुतली बना रखा है बीजेपी ने, बैरव जी कह रहे थे हमारे नेता किसने कहा? मैंने क्या बोला? मैंने भी बोला, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। अवधेश जी थोड़ा जो आपके बेटे बोल दो, मैंने फिर से बोल दो, मैंने क्या बोला है कि मैं बोल रहा हूं डेमोक्रेटिक एजेंसी से बात नहीं कर रही है। देखिए मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए जरा, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, भेजा गया था। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, हिमांशु जी सुनिए पहले बात, आपका तो वो वाला हिसाब है, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी का एक दोहा है, झूठा ही लेना है झूठा ही देना, और झूठा ही बोल रहे झूठ चवेला, झूठी लेना है झूठी देना है, झूठी भोजन करना है झूठी लोगों को बेचना है, झूठ के अलावा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना इंडिया अलायंस के पास है। तो वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार यही खड़ा हुआ है कि क्या संजय सिंह की जमानत के बाद वो अरविंद केजरीवाल का स्थान ले पाएंगे? इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।